Hey guys, welcome back to another video of AI की मदद से जो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। Literally आज के डेट में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट टू इमेज जेनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वॉइस जेनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका किसी भी तरीके का जो कि प्रॉम्प्ट्स है, प्रॉम्प्ट्स से रिलेटिव अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी जो कि कर सकते हैं। इससे पहले तलक है जो कि हम लोग प्रॉम्प्ट से जो कि इमेज को जेनरेट करते थे, हम लोग ज़्यादा थे सिंपल प्रॉम्प्ट्स डाल देते और इमेज जेनरेट हो जाता था। उसी तरीका का जो कि सेम मेथड को जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट्स डालेंगे और वहाँ पर जो कि आपका वीडियो क्रिएट होकर के आ जाएगा। जी हाँ, आपको सिर्फ कुछ स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना है और आपका वीडियो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप भी जो कि इस तरीके की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ जो कि काफ़ी कुछ है जो कि आपको इसमें नया चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ नया चीज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये स्टेप है जो कि आप अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे voxo.ai, ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कि आपको एक ईमेल आईडी से आपको साइनअप कर लेना है, सेम प्रोसेस होता है। गाइस, ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आता है डेस्कटॉप, और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कुछ टेम्पलेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, तो एक प्ले करके देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कि देख सकते हैं साइड में जो कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, पेंसिल वाला जो है एडिट करने का ऑप्शन है। और जो भी आपका स्क्रिप्ट रहेगा यानी कि जो आपका वीडियो क्रिएट होगा उसको सिंपल आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि हम लोग ऊपर में आ जाते हैं, एक स्क्रिप्ट है जो कि हम लोग पेस्ट करते हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट डाल करके यहाँ पर आप वीडियो को क्रिएट करवा सकते हैं। मगर यहाँ पर हम एक ट्राई करने वाले, क्या ये इसमें अगर हम स्क्रिप्ट डालेंगे तो क्या ये वीडियो क्रिएट करेगा, तो देखते हैं वो भी करके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक स्क्रिप्ट ले आते हैं और यहाँ पे डालने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो कुछ फ्री का यहाँ पे देता है टेम्पलेट, वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट है जो कि 10 क्रेडिट ये यूज होगा। उसके बाद यहाँ से जो कि कुछ टेम्पलेट आपको यहाँ पे फ्री है, कुछ है जो कि आपको यहाँ पे पेड है, तो यहाँ पे फ्री वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो क्रिएट हो रहा स्टार्ट हो चुका है, तो वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो क्रिएट होकर के आ चुका है। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, मोटिवेशनल हम लोग का स्क्रिप्ट था, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। What does success mean to you? Visualize your long-term goals. इसी तरीके से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रिप्ट का देख सकते हैं ऑप्शन आ गया, ये स्क्रिप्ट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, क्रिएट हो चुका। अगर इसे हम डाउनलोड के लिए चाहेंगे तो सिंपल यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से RR फाइल में जो कि ये डाउनलोड होता है, ये जो डाउनलोड होता है ना, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ है जो कि एक मतलब पूरा पैकेज के साथ है जो कि ये वीडियो डाउनलोड हो जाता है। ऐसे सिंपल आप अपने सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम टाइप पर भी अपलोड कर सकते हैं, और इसमें जो टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन दिया ये आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है जो कि हम हिंदी में जो कि इसका एक स्क्रिप्ट डाल करके देखते हैं ये कैसा काम करता है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और हिंदी का स्क्रिप्ट अपना पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो कि 1000 कैरेक्टर तक जो ये फ्री में इस्तेमाल करने देगा। यहाँ पर जो कि बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसा आपको आपके वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो कि टेक्स्ट का आप स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, अगर हाइड एंड हाइड करना चाहते हैं सबटाइटल को वो भी जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के जो कि टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कि जैसे कि अगर आप वॉइस ओवर करते हैं या यहाँ पर जो कि जो वॉइस जनरेट होता है बाय डिफॉल्ट वो जो कि प्रीसेट कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन आ जाता है, जैसा आपका वीडियो आप बनाना चाहते हैं उस तरीका का आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अब यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक किए यहाँ पर लेकर के चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कोर्ट का है तो कोर्ट से रिलेटिव ले लेते हैं और यहाँ पे जो कि डिजिटल आर्ट ले लेना है और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो क्रिएट होकर के आ चुका है। अब इसे प्ले करके देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह मशहूर कथन किसने कहा था?
तो यहाँ पर जो कि हम लोग एक प्रोन्स है वो प्रोन्स ला करके यहाँ पे डाल करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक प्रोन्स मेरे पास है, ये प्रोन्स को यहाँ पे पेस्ट किए हैं और क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का प्रीसेट आपको बैकग्राउंड मिल जाता है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से जो कि देख सकते हैं 10 क्रेडिट है जो कि ये इस्तेमाल हो रहा है और सिंपल ऑलमोस्ट 70 या 80 क्रेडिट ये देता है, तो 10 क्रेडिट के हिसाब से जा रहा। अब सिंपल यहाँ से क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। अपना स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि इसका एथी में दिया हुआ था कि ये स्क्रिप्ट पे काम करता है, तो वहीं हम ट्राई कर रहे थे कि इसमें क्या ऐसा ये काम कर रहा है। टाइप करते हैं, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो ये आपको अच्छा खासा जो कि वीडियो को जनरेट कर करके दे देगा और इसे जो कि आप कहीं पर भी अपने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से जो कि एक प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो कि आप वीडियो को जनरेट करवा सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से जो कि आप इमेज को जनरेट करते हैं उसी तरीके से जो कि आप प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो कि आप वीडियो को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग गूगल प्रो में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे रनवे एवेन। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेकर के चलाएगा ट्राई रनवे फॉर फ्री, इस पर आप क्लिक करना है। तो गाइस इसमें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है जो कि Gen 1 Gen 2 के नाम से आता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसी की मदद से जो कि आप यहाँ पे वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट वीडियो का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेकर के चलाएगा। वीडियो टू वीडियो का ऑप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरीके के जो कि एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, मेरा एक वीडियो यहाँ पर वो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है, प्रीसेट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसी के आप अनुवाद सेलेक्ट किए तो अनुवाद का यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आ गया है, जैसा आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं वैसा जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीसेट डिजिटल है, इसे जो कि सिलेक्ट करेंगे और जनरेट वीडियो पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो को देखे कैसा ये बना करके देते हैं, तो अभी जो कि रात भाई साहब AI कुछ भी कर सकता है। अब सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसे जो कि डाउनलोड कर करके आप कहीं पर अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं और इस वक्त काफ़ी अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेस के करते हैं और जनरेट वीडियो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीसेट ऑप्शन देखने को मिल गया, इसी तरीका से जो कि आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी भी तरीके के प्रॉम्प्ट्स है या आप कुछ भी चाहते हैं कि इस वीडियो में चेंज करें या ऐसा वीडियो मेरा जनरेट हो, तो सिंपल आपको उस तरीके का आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है और सिंपल उसी तरीके से जनरेट वीडियो पे क्लिक करना है और आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा। गाइस मेरा वीडियो यही इस तरीके के देख सकते हैं जनरेट कर दिया। गाइस तो अभी जो कि रात के कितना, अब इसे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे जेन 2 है, जेन 2 का भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें जो कि काफ़ी अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अभी स्किप करते हैं और यहाँ पे आ गया। तो गाइस यहाँ पे जो कि जो हम प्रॉम्प्ट डाले प्रॉम्प्ट्स की मदद से देखते हैं कि कैसा वीडियो क्रिएट किया है, कुछ खास नहीं, जो लिखे हैं वही चाहिए जो विजिट वाइड करके दे दिया। सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना और ये डाउनलोड, इसी तरीके से इसे भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना और ये डाउनलोड हो जाएगा और इसे जो कि आप कहीं पर भी आप अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया कि आप स्क्रिप्ट डाले, स्क्रिप्ट की मदद से जो कि आपका वीडियो क्रिएट होता है, ये जो कि प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो कि आपका वीडियो को जनरेट करता है। ओके उसी तरीके से और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप इमेज टू वीडियो कर सकते हो, किसी भी वीडियो का जो कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो वो भी जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप इसे जितना आप एक्सप्लोर करिएगा आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आते रहता है।